allowed to go in the village. Hello, hello. Okay. एक काम करते हैं, राउटर और गेटवे दोनों को पढ़ा देता हूँ एक साथ ही। दोनों होती सेम ही डिवाइसेस हैं, सिर्फ एक फर्क है। राउटर क्या करता है, दो सिमिलर टाइप के नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। जो गेटवे है, दो डिससिमिलर टाइप के नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। मतलब यह है, राउटर सेम प्रोटोकॉल्स फॉलो करने वाले नेटवर्क्स को कनेक्ट करेगा, दो सेम प्रोटोकॉल्स फॉलो करने वाली लैंस को कनेक्ट करेगा। गेटवे दो डिससिमिलर प्रोटोकॉल्स, दो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने वाले नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? दोनों, बाकी दोनों किस चीज के लिए काम आते हैं? दोनों पैकेट्स का रूट डिफाइन करने के लिए काम आते हैं। दोनों सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस को इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने अपना जो डेस्टिनेशन है उसका एग्जैक्ट रूट कह लें कि फाइंड कर सके। लेकिन सिर्फ एक फर्क है। फर्क कौन से वाला है बताइए मुझे? एक सिमिलर प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने वाले नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है और एक डिससिमिलर नेटवर्क्स को फॉलो करने वाले डिससिमिलर नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करवाता है। दोनों एक तरह से कह लें कि एक तरह से दो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए एज अ सेगमेंट का रोल अदा कर रही होती है। सेगमेंट मतलब बीच में कनेक्ट करा रहा होता है। दोनों तरफ सेम प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, दोनों स्टार टोपोलॉजी वाली नेटवर्क्स है, बीच में राउटर लग जाएगा। लेकिन दो अगर यहाँ पे हाइब्रिड है, वहाँ पे कोई और टोपोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, कोई और नेटवर्क है, वायरलेस नेटवर्क है, ये वायर्ड नेटवर्क है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज मुख्तलिफ यूज हो रही है, वहाँ पे मुख्तलिफ यूज हो रही है, फिर उसकी जगह पे क्या चीज़ इस्तेमाल होगी? गेटवे इस्तेमाल होगा। समझ आ रही बात है कि नहीं? तो एग्जाम्स में अक्सर औकात एक क्वेश्चन आता होता है कि इनकी दो सिमिलरिटीज बताइए और एक डिफरेंस बताइए। डिफरेंस तो इनकी डेफिनेशन का ही है, डिफरेंस तो इनकी डेफिनेशन का ही है। क्या डिफरेंस है कि भाईजान इसमें ये फर्क आता है कि ये दो सेम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने वाले नेटवर्क को कनेक्ट करता है, डिससिमिलर प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने वाले नेटवर्क को कनेक्ट करता है। प्रोटोकॉल बोलते हैं सेट ऑफ रूल्स विच आर यूज्ड in a network for communication between the computers. They both can get connected to the internet. They both has capability to get connected with the internet. They both can be wired. They both can be wireless. दोनों में इसकी ताकत होती है, वायर्ड भी हो सकते हैं, वायरलेस भी हो सकते हैं। ये समझ रहे मेरी बात की नहीं? नहीं समझ आ रही? ठीक है। दे बोथ कैन बिकम पार्ट ऑफ अ सर्वर एज वेल। ये सर्वर के अंदर भी आप गेटवेज डिप्लॉय कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बात की नहीं? सर्वर के अंदर, सर्वर एक बहुत बड़ा, आप अगर कभी मौका मिले तो जहाँ पे वो दो कंप्यूटर्स नहीं पड़े हुए जिस ऊपर रूम में, ठीक है, वहाँ पे एक सर्वर भी हम लोगों ने डिप्लॉय किया है। उस सर्वर को भी जाके आप देख सकते हैं कि सर्वर दिखने में किस तरह से होता है। ऑलवेज मेक अ वर्टिकल बार, लाइक वर्टिकल डब्बा सा बना देता हूँ सर्वर को निशानी देने के लिए। ठीक है, सो इट्स मोर और लेस लाइक अ यू नो एक कंप्यूटर से थोड़ा हैवी प्रोसेसिंग पावर वाली एक डिवाइस होती है, उसको सर्वर बोलते हैं। ठीक है, ये बात कि नहीं? यहाँ तक कोई मसला है? सो मैं लिखवाने की हद तक अगर मैं आपको लिखवाऊं तो आप लिख सकते हैं, हाँ, गेटवे कॉलम ना बनाए, मैं वैसे करूं, दोनों क्या करते हैं, दे बोथ, दोनों की डेफिनेशन लिख देता हूं। एक मिनट, ऐसे लिख के ना, गेटवे एंड
राउटर्स लिखने में जरा आसानी हो जाएगी। कनेक्ट टू और मोर, ये क्या करता है, कनेक्ट्स टू और मोर, कनेक्ट्स टू और मोर नेटवर्क्स। कैन ऑल्सो कनेक्ट अ नेटवर्क टू अ वाइड एरिया नेटवर्क। पैकेट्स आर सेंट बेस्ड अपॉन अप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन, बेस्ड अपॉन, यू कैन से दैट बेस्ड अपॉन डेस्टिनेशन आईपी, बेस्ड अपॉन डेस्टिनेशन एड्रेसेस, बेस्ड अपॉन डेस्टिनेशन एड्रेसेस। दोनों के कॉमन, सारे कॉमन पॉइंट्स लिख लो, डिफरेंट पॉइंट्स अलग से लिखूंगा। कैन असाइन प्राइवेट आईपी एड्रेसेस, कैन असाइन प्राइवेट आईपी एड्रेसेस यहां पे अब मैं डिफरेंट पॉइंट लिखूंगा। राउटर्स क्या करते हैं, कनेक्ट टू सिमिलर नेटवर्क्स, कनेक्ट टू सिमिलर नेटवर्क्स, कनेक्ट टू सिमिलर नेटवर्क्स दैट यूजेस same protocols, that uses same protocols, connects to similar networks that uses same protocols. ये किसका है, राउटर का। गेटवे का क्या होगा, दे कनेक्ट टू dissimilar networks that use डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। समझ रहे मेरी बात कि नहीं काशान, अगर एक नेटवर्क में डिफरेंट प्रोटोकॉल अप्लाई हो रहा हुआ और दूसरे में कुछ हो रहा हुआ, तो इसका मतलब जो दरमियान में डिवाइस है वो नेटवर्क ट्रांसलेशन का भी काम कर रही है। नेटवर्क ट्रांसलेशन का मतलब क्या, अगर यहां से फारसी बोली जा रही है और वहां पर उर्दू, तो वो बीच में ट्रांसलेट करके उसको उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, उस वन एंड जीरोज में कन्वर्ट कर रहा है कि दूसरा जो नेटवर्क है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। मतलब अगर बिट्स कंपैटिबल नहीं होंगी तो गेटवे लगाया जाएगा ताकि दो नेटवर्क्स के अंदर कंपैटिबिलिटी इश्यूज ना आए। दोनों के अंदर डेटा डोंसन ना फुल डुप्लेक्स अंदाज में ट्रांसमिट हो रहा होता है। किस अंदाज में, फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिट हो रहा होता है। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं, ये बस मेन फर्क है दोनों के अंदर। समझ आई यहाँ तक, बाकी देख लेते हैं कोई और नेसेसरी बात लिखनी है तो हम वो भी बीच में कोट कर लेते हैं। हाँ वही वाली बात जो मैंने आपको बोली भी है, ये बाकी सारी बातें एक जैसी हैं, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ ट्रांसलेटर राउटर बिटवीन टू, इट एक्ट्स एज अ ट्रांसलेटर राउटर बिटवीन टू डिसिमिलर नेटवर्क्स। गर्ल्स को समझ आ रही है मेरी बात, इट एक्ट्स एज अ ट्रांसलेटर राउटर बिटवीन टू डिसिमिलर नेटवर्क्स। गेटवे भी असल में राउटर ही है लेकिन एक एडिशनल ताकत के साथ, ठीक है। क्या ताकत है इसकी, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स वालों को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। अगर डायग्रामेटिकली देखा जाए ये क्या डायग्राम होती है, ये किस चीज के डायग्राम बना रहा हूं, ये कौन है, लैपटॉप्स यानी कंप्यूटर्स हैं। मेरी दुनिया में लैपटॉप ऐसा होता है, ये कौन है, टोपोलॉजी कौन सी है, वेरी गुड, कौन सी टोपोलॉजी है,
ये स्विच जो है ना लाजमी नहीं अलग डिवाइस हो, सर्वर के अंदर भी लगाई जा सकती है। ठीक है, ठीक है। स्विच किसके साथ कनेक्ट होगा? राउटर के साथ। राउटर किसके साथ कनेक्ट होगा? इंटर नेट के साथ कनेक्ट होगा। राउटर एक वक्त में दूसरी लाइन को भी अपने साथ कनेक्ट करवा सकता है। ठीक, लाइन भी हो सकती है या वैन भी हो सकती है। ठीक है जी, सबको समझ आ रही है? ठीक है, डन हो गया। ये एक डायग्राम है, ये एक पूरी डायग्राम किसकी हो गई है? ये एक आपके लोकल एरिया नेटवर्क की एग्जांपल हो गई है। ठीक है, वो जो लोकल एरिया नेटवर्क किसके साथ कनेक्ट हुआ है? राउटर के साथ कनेक्ट हुआ है। ठीक है, और राउटर फिर आगे दूसरों के साथ कनेक्ट हुआ है। गेटवे का भी क्लियर हो गया आप लोगों को, मुश्किल तो नहीं है? ठीक है। अच्छा, वैसे एक बात है, इंटरनेट से एक मैसेज आया इसके लिए, इंटरनेट से एक मैसेज आया इसके लिए, उसको कैसे पता चलेगा? इंटरनेट से डेटा किसके पास आएगा? राउटर के पास आएगा, बेस्ड अपॉन व्हाट? आईपी एड्रेस आएगा इसके पास। ये डेटा यहां से होता तो ये फुल डुप्लेक्स ही है, यहां पे आएगा। स्विच इसको डेटा कैसे भेजेगा, किसकी बेस के ऊपर? मैक एड्रेस की बेस पर। किसकी बेस पर? मैक एड्रेस की बेस पर, बिकॉज स्विच हैज इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द डिवाइसेस कनेक्टेड विद इट दैट आर identified through their own unique MAC addresses. ठीक है, they are identified through their unique MAC addresses. ठीक है, router is a device that is used to define an appropriate route for the data packet on the internet. समझ आ रही बात की नहीं आ रही? अब आते हैं जरा मुख्तलिफ बातों के लिए। ठीक है, अब कल मैंने एक वो आपको बताया था, कुछ कल वाली डायग्राम मुझे दिखा सकते हैं? कुछ डायग्राम हमने बनाई थी पीछे, नहीं बनाई थी? अच्छा, चलो ठीक। व्हाट इज दिस? वन कंप्यूटर। व्हाट इज दिस? अनदर कंप्यूटर। डेटा जब एक कंप्यूटर से आता है, राउटर सारे आपस में एक दूसरे के साथ क्या हुए हुए होते हैं? वन वे और दी अदर क्या हुए हुए? इंटर कनेक्टेड हुए हुए। वन वे और दी अदर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हुए हैं। ठीक है कि नहीं? मेरी बात नहीं समझ आ रही आप लोगों को? अरे समझ के नहीं। अब यहां से जो डेटा कंप्यूटर नंबर ए से गया, किसके लिए? कंप्यूटर नंबर बी के लिए। अब हो सकता है ये फर्स्ट पैकेट जो सा है, या यूं कह लें कि P1 मतलब फर्स्ट पैकेट। आपको पता है इंटरनेट पर जो डेटा सेंड किया जाता है, उसको सारे डेटा को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। लेट से यहां पर एक क्या है? ईमेल है, या कोई लेट से वीडियो है, ईमेल या वीडियो है, उसकी ढेर सारी बिट्स हैं। उन बिट्स को सबसे पहले ग्रुप्स बना के डिवाइड किया जाएगा। हर ग्रुप का नाम क्या दिया गया है? डेटाग्राम या फ्रेम या पैकेट। डेटा पैकेट बना के वो सेंड किया जाएगा। हर पैकेट के अंदर एक अलग, एक यूनिक, एक डेटा तो उसके साथ होगा ही होगा, उसके साथ सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस डाला जाएगा। सोर्स कौन है? ये सोर्स है। डेस्टिनेशन कौन है? ये वाली है। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? यहां से वीडियो ट्रांसमिट होती है। अब बहुत ही बड़ी वीडियो है, जैसे यहां से स्टार्ट होती है, इतनी बड़ी 1010 की फाइल है। समझ रहे हैं? मैंने डॉट्स लगाए हैं ताकि हमें नहीं पता बीच में क्या चल रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं? इसको डिवाइड किया गया किसके अंदर? हाँ, छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर। यहां से हमने पहले ट्रांसमिट किया,
पैकेट नंबर वन। पैकेट नंबर वन पहले राउटर के पास गया, वो राउटर जिसके साथ हमारा कंप्यूटर कनेक्टेड था। समझ रहे मेरी बात कि नहीं? अब इस राउटर ने पैकेट नंबर वन यहां दिया, इस राउटर ने आर एट को दिया, आर एट ने आर टेन को दिया, आर टेन ने आर ट्वेल्व को दिया, आर ट्वेल्व ने आर अलेवन को दिया, आर अलेवन ने बी को दिया। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? ये रूट कौन डिफाइन कर रहा है? आर कौन है? राउटर्स। पी कौन है? पैकेट्स हैं। पी कौन है? पैकेट्स हैं। रूट कौन डिफाइन करता है? राउटर। नाम ही क्या है? रूट डिफाइन करने वाली मशीन। अब रूट की एफिशिएंसी किस पर डिफाइन हो रही होती है? दो बातों के ऊपर, या तो शॉर्टेस्ट अवेलेबल रूट या वो रास्ता जिस पर डेटा ट्रैफिक कम हो, या वो रास्ता जिस पर डेटा ट्रैफिक क्या हो, कम हो। इसी तरह ऐसे नहीं होता जैसे अक्सर औकात, अब सुहाग के ब्रिज आपने देखा था पिछले दिनों जो टूट गया था, वो कितनी रश होती थी, आपका एक एक घंटा लग जाता था ब्रिज के ऊपर। आपने सिर्फ फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल जाना है, जस्ट टेल मी इज इट अ गुड आइडिया कि घंटा वहां पे वेस्ट किया जाए, या लंबे DHA2 का जो नई रोड बनी हुई है वो जो दरिया के किनारे जाती है, आप उस रोड से फौजी फाउंडेशन चले जाएं, 10 मिनट में चले जाएंगे, रास्ता लंबा है। अगर ये रोड खुली हो तो 3 मिनट में 5 मिनट में आपको फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल पहुंचा देगी, वहां से 10 मिनट में पहुंचेंगे। लेकिन ये शॉर्टेस्ट रास्ता है बट मोर ट्रैफिक। इसी तरह बाज़ुकात दो राउटर्स के बीच में डेटा ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है, होता वो शॉर्टेस्ट रूट है लेकिन वो अडॉप्ट नहीं किया जाता, लॉन्गेस्ट रास्ते से जाया जाता है। क्यों? फायदा क्या होता है? क्योंकि लॉन्गेस्ट रास्ते से वो जल्दी पहुंच जाएगा, वहां पे डेटा ट्रैफिक कम मिल रही है। तो राउटर का जो डिसीजन है वो इस बात पर बेस्ड होता है कि एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट या वो रूट जिसपे डेटा ट्रैफिक कम हो। अव्वल बात तो जो शॉर्टेस्ट रूट होगा उसकी तरफ, दूसरी बात ये शॉर्टेस्ट रूट अगर बिजी है तो शॉर्टेस्ट लेकिन बिजी है तो फिर लॉन्ग रास्ते से भिजवा दो डेटा को, ठीक है ना? तो खैर इसका मतलब क्या है? ये पैकेट वन आया, ये पैकेट टू आया, पैकेट टू यहां पे आया, इधर से इसके पास गया, यहां 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 से इसके पास गया और इधर से इसके पास आ गया। हो सकता है पैकेट टू ने कोई और रास्ता अडॉप्ट किया और ये नेचुरल है और रास्ता, क्योंकि उसके पास ऑल बहुत सारे, एक राउटर एक वक्त में बहुत सारे काम कर रहा होगा। हो सकता है एक लम्हे के लिए वो बिजी ही हुआ है और पैकेट आया, पैकेट ने देखा मैं ये बिजी है, रास्ता चेंज कर लिया। जैसे ही उसने रास्ता चेंज किया ये राउटर फ्री हो गया, अब कोई और डेटा आया, अब वो इधर से आ रहा है, पहले कोई और उधर से लगा, कोई और इधर से आ रहा है, तो राउटर मसरूफ था, डेटा पैकेट उसको भेजे नहीं देता, किसी और राउटर को दे दिया जाता है, या सारे ही बिजी है तो फिर इंतजार ही है, फिर वेटिंग होगी, उसमें इंतजार किया जाएगा तब तक जब तक राउटर्स फ्री ना हो जाए, ठीक है? So, कहने का मतलब क्या है? ऑल डेटा पैकेट्स ऑल, ये आ गया P3, द पैकेट्स दैट दे आर गोइंग दे मे टेक डिफरेंट रूट। रूट आर डिफाइंड बाय द राउटर। राउटर इज अ रूट डिफाइनिंग डिवाइस इन अ नेटवर्क। राउटर इज अ डिवाइस राउटर इज अ डिवाइस राउटर एंड गेटवे दे बोथ आर डिवाइसेस used to establish a route. दोनों का जनरल पॉइंट है, these both are device, router gateway devices used to establish route of data packets, establish routes, route of data packets. Establish, आपने रूट लिख दिया था, RWT, route, establish route of data packets from source till destination. Source till destination, इसका मतलब क्या है? राउटर क्या है? ये है पाथ डायरेक्ट करती है, पाथवे क्या करती है? राउटर्स डायरेक्ट्स द पाथवे, ये पाथवे को डायरेक्ट करा रही होती हैं सोर्स से डेस्टिनेशन तक, एक एफिशिएंट अंदाज में मेक श्योर कर रही होती हैं कि एक जगह से दूसरी जगह डेटा क्या हो, ट्रांसमिट हो, एक जगह से दूसरी जगह डेटा एक रूट के जरिए ट्रांसमिट हो, दूसरा भी अडॉप्ट किया जा सकता है। जी जिस तरह आपने ब्रिज में बताया था कि जितने भी डेटा पैकेट्स वगैरह हैं सबके पास चले जाते हैं,
वो कह सकते हैं उसके पास ये क्वालिटी नहीं होती कि वो अपना जो एड्रेस है ना वो किसी एक तक महदूद रख सके, वो सारों को ही डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अगर उसको थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दूं इस अंदाज में कि उसमें अगर एड्रेसेस की भी कहानी डाल दी जाए तो उसका नाम चेंज हो जाएगा, फिर नाम उसका स्विच इस्तेमाल किया जाएगा। तो कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिसमें एक मैसेज सारों को भेजना होता है। एक जैसे बॉस है, बॉस के कंप्यूटर ने बाकी सबको डेटा ट्रांसमिट करना है तो वो सारों को वो ब्रिज इस्तेमाल करेगा अपने कंप्यूटर के साथ। समझ आ रही बात की कि नहीं? ब्रिज इस्तेमाल करेगा अपनी तरफ से। कुछ एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन चीज वेरी होती रहती है, ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया? अ कॉमन प्रोटोकॉल फॉलोड बाय अ राउटर इज टीसीपी आईपी। जी बोले। शॉर्टेस्ट पाथ वहां से जहां से उसको एक्नॉलेजमेंट जल्दी आ जाए वो शॉर्टेस्ट पाथ था, ये वो अवेलेबल रूट था। यस, दिस इज एक बड़ी मजे की बात ही होती है कि इफ अ पैकेट माइट गो फ्रॉम डिफरेंट यू नो पाथ्स, a packet when goes from different paths, there are certain packets which are never received till destination. They might just diwane packets, jisko aap keh sakte hain, diwana samajhte hain na, diwana jisko raaste ka nahi pata hota aur bas wo ghoom raha hota hai aur idhar udhar chal raha hota hai, pagal nahi hote jis tarah ke ek packet begangon ki begane andaaz mein na diwanon ki tarah beech mein ghoom raha hai, isko kaise? Ab ye ek aisa packet hoga jisne khamoha ki network mein kya kiya hua hai, traffic mein izafa kiya hua hai, डेस्टिनेशन तक भी नहीं जा रहा और खामखा बैठा हुआ है, बताओ क्या करेंगे इस दीवाने पागल का? हाँ, रिमूव इट। हाउ वुड यू नो दैट के इट्स द पैकेट व्हिच इज जस्ट प्रेजेंट इन द नेटवर्क एंड डूइंग नथिंग। एन एस्टिमेट वैल्यू, इसको बोलते हैं हॉप नंबर। बड़ी एक काम की चीज है, क्या बोलते हैं इसको? हॉप नंबर। एक नंबर असाइन किया जाएगा, अभी गौर से सुनना ये बात, एक नंबर असाइन किया जाएगा एक पैकेट के साथ, वो ये उसमें हर दफा इंक्रीमेंट हो रहा होगा। जिस राउटर पे आएगा राउटर उसमें प्लस वन कर देगा, फिर आगे भेजेगा, फिर प्लस वन करके आगे भेजेगा। जिस भी राउटर के पास आ रहा है तो वो हर राउटर ये चेक भी करेगा कि ये जो नंबर है ना एक फाइनाइट नंबर सेट कर दिया जाएगा, लेट्स से 50, मिसाल के तौर पर 50 सेट कर दिया गया। अब जो भी राउटर, जो भी पैकेट है वो कम जिधर तक भी पहुंचना है दुनिया में, दो जो एंड पॉइंट्स है ना, यानी कि इस पॉइंट पे अगर चाइना है और उस पॉइंट पे अगर मिसाल के तौर पे अमेरिका है, फॉर एग्जांपल दो एंड वाले पॉइंट्स है, इस पॉइंट से यहां तक डेटा भेजने के लिए मिसाल के तौर पे 25 राउटर्स की जरूरत पड़ती है। डेटा गोज थ्रू 25 राउटर्स, लेट्स से दैट हम उसमें करते हैं चलो 50 रख दिया, 100 रख दिया उसका नंबर, हॉप नंबर क्या रख दिया, 100। अब अगर वो हर दफा राउटर चेंज हो रहा, इधर ही घूमना शुरू कर दिया उसने, मतलब वो डेस्टिनेशन तक नहीं जा रहा, तो हर राउटर ये डिटरमिन कर रहा है, कोई मसले राउटर अगले राउटर अपनी तरफ से अगले राउटर की तरफ उसको ट्रांसमिट कर ही देता है कि चलो उस तरफ जाओ, उधर से तुम अपने डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच जाओगे, फलाने राउटर के पास जाओ उधर से तुम डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। ठीक, हर दफा राउटर टू राउटर जब वो ट्रांसमिट होता जा रहा है तो उसका हॉप नंबर इंक्रीज करता जा रहा है। अगर वो एक सर्टन अमाउंट के बाद इंक्रीज कर जाए ना, तो जिस भी राउटर के पास आ गया ना जब वो, ओहो तुम तो दीवाने पागल हो, डिलीट कर रहे हो इसको नेटवर्क से। समझ आ रही मेरी बात की? वो राउटर्स, वो जो पैकेट्स होंगे वो रिमूव कर दिए जाएंगे। अब वो पैकेट्स रिमूव करने का मतलब क्या है? रिसीवर के पास वो जब नहीं पहुंचेंगे ना, रिसीवर के पास नहीं पहुंचेंगे तो रिसीवर ने पहले ही उधर सिग्नल भेज दिया होगा कि तुम्हारा फलाना पैकेट मेरे पास नहीं पहुंचा हुआ, दोबारा भेजो उसको। क्लियर हो रही मेरी बात की नहीं? वो पैकेट मिसिंग होगा डेटा में से, क्योंकि जितना डेटा आपने डिवाइड किया था 1 2 3 डॉट 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 एन पैकेट्स आपने बनाए थे, बीच में से 49th पैकेट मिसिंग है जी, किधर है? तो पूरा डेटा नहीं मंगवाया जाएगा दोबारा से, सिर्फ 49th पैकेट मंगवाया जाएगा। तो ये तो बड़ी अच्छी बात नहीं है कि 49th पैकेट मांग लूं बजाय इसके मैं सारा डेटा दोबारा से मांगूं, क्या ख्याल है? तो तब तक हम अपने जो रिसीवर है, रिसीवर में थोड़ा नुकसान जरूर होता है इस चीज का कि वो डिले कॉज होता है इन री असेंबली ऑफ द डेटा, बट इट्स अ फास्टर वे ऑफ सेंडिंग a network जिसमें आप डेटा पैकेट्स को डिवाइड भी कर सकते हैं। नॉट अ गुड आइडिया टू यूज दिस पैकेट स्विचिंग नेटवर्क, ये पैकेट स्विचिंग नेटवर्क इसको बोलते होते हैं, जिसमें पैकेट्स अपना रास्ता स्विच करते हैं, चेंज करते रहते हैं। रियल टाइम एप्लीकेशंस जो सी होती हैं, जैसे लाइव स्पोर्टिंग मैच हो गया, लाइव ब्रॉडकास्ट हो गई, क्या ख्याल है? उसमें ये चीज़ अच्छी नहीं होगी,
क्यों? क्योंकि कोई पैकेट अगर लॉस हो गया या कोई डिले का शिकार हुआ या पैकेट नंबर 1, 2, 3, 4 पहले पहुंच गया और 1 बाद में पहुंचा तो छक्का पहले आ जाएगा और कहने कैच पहले पकड़ेगा वो, तो छक्का भी मारा ही नहीं है, तो ऐसे फिर हमें वीडियो नजर आ रही होगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? नहीं समझ आई? आगे तो जो जिस ऑर्डर में एक इवेंट अकर कर रहा है उसी ऑर्डर में जब चीज आपको चाहिए ना उधर सेम ऑर्डर में, फिर ये वाला नेटवर्क काम का नहीं होता। फिर एक और नेटवर्क है उसमें फिर हमें खरीदना पड़ता है, एक रास्ता खरीदना पड़ता है जिस रास्ते को हम इस्तेमाल करते हैं हमेशा के लिए, जब तक हमारा डेटा कंप्लीट नहीं हो रहा तब तक वो रास्ता इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये रास्ता मैं चूज कर लूँ, अब मेरे इस रास्ते को कोई तब्दील नहीं करेगा, ये रास्ता मैंने खरीद लिया लेट से फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कनेक्शन अंटिल द कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड। ये पैकेट स्विचिंग नहीं होगा, इसमें पैकेट्स नहीं बनेंगे, इसमें सिर्फ क्योंकि इसमें पैकेट्स के खो जाने का खतरा नहीं है, क्योंकि ये रास्ता उस वक्त तक के लिए मैंने खरीद लिया जब तक मैं इसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ। जब तक मैं इसको क्या करना चाहता हूँ? इस्तेमाल करना चाहता हूँ। एक बड़ी अच्छी मिसाल है, मैं अमरीका फ़ोन करता हूँ, अपने नंबर से फ़ोन करता हूँ, तो वो जो थोड़ी देर होती है मुझे वक्त लगता है कॉल कनेक्ट होने की, वो वक्त किस चीज़ का है? वो मेरा रूट डिफाइन करने का वक्त होता है कि कौन कौन से वाली डिवाइसेस रास्ते में अवेलेबल हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी कॉल को अमेरिका तक कनेक्ट कराने के लिए। तो जितना दूर तक जाऊंगा उतने ज़्यादा राउटर्स को बिजी करूंगा अपने साथ, वो कोई और काम नहीं करेंगे, वो मेरे साथ बिजी हो जाएंगे, तो उतने ज़्यादा पैसे लगेंगे मेरे। होता है कि नहीं होता? अमेरिका के कॉल के कितने पैसे होते हैं? ज़्यादा होते हैं। अफगानिस्तान कॉल करेंगे सस्ती हो जाएगी, समझ रहे मेरी बात कि नहीं? दुबई से भाई कॉल करेंगे सस्ती हो जाएगी, लेकिन दूर जब जाएंगे तो कॉल क्या होती है? महंगी होती जाती है। एक मिनट लेट से 40 रुपीज़ 50 रुपीज़ का एक मिनट होता है, लेकिन अगर अभी उधर कॉल करें 10-15 रुपये की एक कॉल आपको पड़ेगी। फासला ज़्यादा, टाइम भी ज़्यादा, वो पैसे भी ज़्यादा। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात? या उस अंदाज में जब रियल टाइम आपकी एप्लीकेशन हों, जैसे कोई लाइव ब्रॉडकास्ट है, कोई लाइव स्पोर्टिंग इवेंट हो रहा है, उसको आपने देखना है, जिसके पैकेट जो पहले पैकेट्स जनरेट हो रहे हैं वो आपको पहले ही दिखने हैं, दूसरे नंबर पे जो पैकेट्स हैं वो आपको सेकंड नंबर पर ही देखने हैं। आप दूसरे नंबर वाले पैकेट्स को पहले नंबर पे नहीं देख सकते और पहले वालों को दूसरा पे नहीं देख सकते, वो आप खुद दिमागी मरीज बन जाएंगे कि क्या हो रहा है, कैच हो रहा है, छक्का हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ठीक है कि नहीं? तो समझ आ रही है? मुश्किल है, नेटवर्क आसान है? कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? सो एक बात लिख लें अपने पास, द कॉमन प्रोटोकॉल यूज बाय राउटर इज TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP/IP बोलते हैं इसको, TCP/IP प्रोटोकॉल यूज बाय राउटर इज TCP/IP, बिकॉज ये एक इंटरनेट पर काम करने वाली डिवाइस है, जो इंटरनेट पर प्रोटोकॉल जो इस्तेमाल हो रहा होता है, जो इंटरनेट पर प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा होता है उसका नाम क्या है? TCP/IP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ठीक है जी। इंटरनेट पर जितनी कम्युनिकेशन होती है इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके होती है TCP/IP की। तो अभी राउटर गेटवे की बात कर रहे हैं तो ये TCP/IP प्रोटोकॉल को फॉलो करती है। अब TCP/IP है तो A2 का, लेकिन चलो मैं बेसिक बता देता हूँ। ये मेक श्योर करती है इंटरनेट के ऊपर डेटा पैकेट्स क्या हों, रिलायबल हों। इंटरनेट के ऊपर डेटा पैकेट्स कैसे ट्रांसमिट किया जाए? रिलायबल डेटा पैकेट्स को ट्रांसमिट किया जाए। नॉन रिलायबल का मतलब क्या होता है? जो करप्ट हो जाते हैं पैकेट्स, उनको अगर एक पैकेट यहां तक पहुंच के करप्ट हो गया ना, आगे ये राउटर 5 ही नहीं भेजेगा। अगर इसने देख लिया ना कि पैकेट करप्ट हो चुका है, जिससे इसने वो पैकेट रिसीव किया उसको बोलेगा, भाई तुमने करप्ट हुआ पैकेट मुझे क्यों भेजा? वो बोलेगा, मैंने तो नहीं भेजा। जैसे ये आगे नहीं भेजेगा तो वो भी नहीं भेजेगा, तो बोलेगा, भाई तुमसे जो पैकेट मेरे पास आया वो करप्ट हो चुका है, क्या करें इसका? तुम्हारे पास कॉपी पड़ी है इसके ओरिजिनल? वो बोलेगा, हाँ पड़ी है। तो बोलेगा, चलो भेजो दोबारा मुझे। समझ आ रही कि नहीं? अगर फिर से बोले नहीं मिल रहा, किसी और रास्ते से भेज देगा, छोड़ यार तेरा तो अपना रूट ही खराब है, मैं किसी और जगह से भेजता हूँ। कोई दूसरा भी बोल दे कि नहीं है मसला इसके अंदर, फिर बोलेगा
तुम्हारा रूट भी खराब है। तो जितने अवेलेबल रास्ते होंगे राउटर हर एक को खत्म करके मुख्तलिफ रूट से डेटा भेजना शुरू कर देगा, क्योंकि इस तक डेटा ठीक आ रहा है, इस तक डेटा ठीक आ रहा है, इससे आगे ठीक नहीं जा रहा। इसका मतलब क्या है कि मसला इसके आगे प्रॉब्लम है। जब उस तक भी सारे पहुंच जाएंगे, उस तक सारे पहुंच जाएंगे ठीक है, और कुछ नहीं पहुंचा होगा तो ये बोलेगा यार पैकेट नंबर 29 मिसिंग है, पैकेट नंबर 29 मुझे दो ताकि मैं जल्दी से असेंबल करूँ। ये सारा काम किस पे हो रहा था? ऑप्टिक फाइबर पे हो रहा होता है। किस पे हो रहा है आजकल? ऑप्टिक फाइबर पे हो रहा है। तो ऑप्टिक फाइबर में डिले आता है, लेकिन इतना आता है कि हमारे लिए इतना ज़्यादा वो नहीं होता कि डिले आया, बिकॉज समटाइम ईमेल एकदम आ जाती है। कभी नोट किया कि नहीं? कभी 2-3-4 सेकेंड बाद आती है, नोट किया कि नहीं? वजह क्या होती है कि समटाइम अवेलेबिलिटी ऑफ द रूट इज़ वेरी इमीजिएट, इमीजिएटली गिवन टू अस, या रूट वॉज अवेलेबल उस पॉइंट पर, डेटा ट्रांसमिशन किसी के नहीं हो रही थी या कम हो रही थी, या किस्मत हमारी अच्छी थी हमें मिल गया रूट। समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई? आगे आगे चले। ओके, राउटर समझ आ रहा है? एनी कन्फ्यूजन? ठीक है। और राउटर के अंदर जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पैकेट्स। ठीक है, पैकेट्स किनको कहा जाता है? होल डेटा इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप ऑफ डेटा बिट्स इज नोन एज अ पैकेट। ठीक है, डेटा टू बी ट्रांसमिटेड इज, ये पढ़ा हम लोगों ने, बताओ पढ़ा हम लोगों ने, इज डिवाइडेड इंटू ग्रुप्स नोन एज पैकेट्स। अब हर पैकेट के अंदर लेट्स से दिस इज द डिजाइन ऑफ अ पैकेट, डिजाइन ऑफ अ पैकेट। इस पैकेट के अंदर एक होता है हेडर, पेलोड और अब्दुल्ला वसीम ट्रेलर। हेडर के अंदर क्या होता है? सोर्स आईपी, एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी, एड्रेस, सीक्वेंस, नंबर ऑफ पैकेट, नंबर ऑफ पैकेट्स, हॉप नंबर। ठीक है, पेलोड क्या होता है जी? पेलोड क्या होगा? एक्चुअल डेटा। पेलोड क्या होगा? एक्चुअल डेटा दैट इज टू बी सेंड। ट्रेलर में क्या होता है? ट्रेलर में क्या होता है? एरर डिटेक्शन टेक्निक, चेकसम भी हो सकता है और साइक्लिक रिडंडेंसी चेक भी हो सकता है। ठीक है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक भी हो सकता है। पहली दफा पढ़ रहे हैं? ये पहली दफा पढ़ रहे हैं, बताता हूं। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक में ये होता है, बहुत ही आसान है, ओरली सुन लोगे तो समझ आ जाएगी। आपके पूरे पैकेट में जितने भी नंबर ऑफ वंस हैं उसको गिनती कर लेता है, उनकी काउंटिंग कर लेता है कितने वंस हैं, वो साथ भेज देता है काउंट करके ना, 50 वंस हैं जी आपके डेटा में, 50 लिख के डेटा पैकेट सेंड कर देगा। ये मसला होता है इसमें, उसके लिए चेकसम चैंपियन है। इसमें नंबर ऑफ वंस कोई बिट करप्ट हो जाए ना
उससे थोड़ा सा होता है। ऑर्डर स्वैप तो नहीं होते इसमें, मतलब चूंकि बिट्स क्या होती हैं, हाई होता है ना, हाई लो जाती है, लो हाई नहीं होती। लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि सर अगर कुछ ऐसा हो के स्वैप हो जाए, 0-1 बन जाए, 1-0 बन जाए, कुछ इस तरह का फिनोमेना हो, तो साइक्लिक फिर नहीं चेक कर सकेगा। का दिमाग ने बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको कैप्चर किया है कि अगर ऑर्डर खराब हो जाए इनका, क्या है इसमें नंबर ऑफ वंस कैलकुलेट करके, काउंट करके ना वो सेंड कर दी रहती, तो रिसीवर रिकाउंट करता नंबर ऑफ वंस को। अगर वंस कुछ करप्ट हो गई हो ना बीच में, तो पता लग जाएगा कि वंस कम हो गए, वंस ज्यादा हो गए या वंस कम हो गए। ज्यादा तो नहीं होते, नॉर्मली कम हो जाते हैं, वंस कम हो गए। फिर वो कहता है कि पैकेट करप्ट हो गया। रिसीवर क्या, राउटर भी कह देता पैकेट करप्ट, तो राउटर आगे ट्रांसमिट ही नहीं करता करप्टेड पैकेट को। इसीलिए मैंने कहा था कि जो राउटर है इट वर्क्स ऑन TCP/IP, ये TCP/IP पे काम कर रहा होता है। TCP/IP का मतलब क्या है, रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन। कौन सी डेटा ट्रांसमिशन, रिलायबल। रिलायबल का मतलब क्या है कि एरर आएगा तो उसी लम्हे TCP ने मना करना है, क्या करना है, रोकना है। क्या करना है, रोकना है। समझ नहीं आ रही मेरे बच्चों को, आ रही है? अच्छा, TCP क्या करता है, TCP क्या है, रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन है। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि डेटा अगर करप्ट हो जाए तो आगे ट्रांसमिट नहीं किया जाएगा, उधर ही रोक दिया जाएगा। समझ आ रही है कि नहीं? तो रिलायबिलिटी कौन चेक कर, हर पैकेट चेक कर रहा होगा कि नंबर ऑफ वंस जितने भेजे थे उतने ही होने चाहिए, ठीक है। अगर कम हो जाते हैं ना तो गिनती में फर्क आ जाएगा ना नंबर ऑफ वंस की, तो उसी लम्हे पैकेट को रोक दिया जाएगा और बोला जाएगा जिससे पैकेट रिसीव किया था ना उसको बोलेगा यार डेटा ट्रांसमिट करो, क्योंकि पैकेट ठीक तरह से रिसीव नहीं हुआ। बच्चों मेरी बात समझ आ रही है, सबको आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। इसी तरह से चेकसम क्या होता है बताओ, ये एरर डिटेक्शन टेक्निक है। इसमें भी क्या होता है कि इसलिए थोड़ी डिफरेंट टेक्निक है, ये आपके जो पेलोड है, पेलोड की ऑल वंस को कन्वर्ट करता है किसके, मतलब वंस नहीं कह सकते, आपके पेलोड को पैलेट बाइनरी से डेनरी में कन्वर्ट करता है, डेनरी में कन्वर्ट करके 256 से डिवाइड करता है। किससे डिवाइड करेगा, किससे, 256 के साथ डिवाइड करेगा, तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, 0 से लेकर 255 तक कोई भी वैल्यू आ सकती है। 256 से डिवीजन पर 0 से 255 तक की कोई भी वैल्यू आ सकती है, वो वैल्यू साथ अटैच करके भेज देगा जो रिमाइंडर आएगा 256 से डिवाइड करने के बाद, क्योंकि 8 बिट्स का होता है चेकसम और 8 बिट्स में 256 डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, तो 256 से डिवाइड करेगा, रिमाइंडर विल बी या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो डॉट डॉट 255, तो 8 बिट्स तक 255 रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर डेटा सेंड करते हुए बिट्स स्वैप भी हो जाती है ना, ये उसको भी निकाल लेगा कि एरर आया है, क्योंकि बिट्स ने अगर अपनी जगह चेंज की तो उसकी प्लेस वैल्यू तब्दील हो जाएगी। जब प्लेस वैल्यू तब्दील होगी तो वो जो नंबर आएगा ना आंसर, जिसको 256 से डिवाइड करना था, वो नंबर ही डिफरेंट होगा, क्योंकि 1001 में बड़ा फर्क होता है ना, एक दूसरे का डबल एंड हाफ है ये, तो चेकसम जो है ना उस पर फर्क आ जाएगा। जब चेकसम को फर्क पता लग गया तो साथ ही रिसीवर बोलेगा भाई डेटा ठीक नहीं है, दोबारा भेजो। क्लियर हो रही मेरी बात कि नहीं? तो जब डेटा डिटेक्ट करने के बाद एक रिक्वेस्ट जनरेट की जाती है कि डेटा दोबारा भेजो, क्योंकि करप्ट हो चुका है, इस मैकेनिज्म को बोलते हैं, इस प्रोटोकॉल को, इन रूल्स को बोलते हैं, जिन रूल्स को फॉलो किया जाता है, वो होते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। चूंकि इंटरनेट पर लग रहे होते हैं, दैट इज वाई इंटरनेट प्रोटोकॉल भी इस्तेमाल होता है इसमें, IP। बात समझ आ रही है कि नहीं? नहीं समझ आई, आ रही समझ? थोड़ी और गहराई तक गया तो फिर आप कंफ्यूज होंगे, तो इसलिए मैं मजीद गहराई पे फिलहाल नहीं लेके जा रहा। यहाँ तक समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सबको समझ आ रही है कि नहीं? हाँ, वो रिसीव हो जाते हैं, ऑर्डर उनका चेंज हो सकता है। रिसीवर जो है ना वो उनको रीअसेंबल करता है, रीऑर्डर करता है दोबारा। तो पैकेट स्विचिंग में एक फायदा यह है कि एक रूट में कुछ मसला आ जाए ना, एक रूट में कुछ मसला आ जाए तो वो रूट सिर्फ आपका क्या होता है, खराब होता है, सारे रूट्स नहीं खराब होते। कम्युनिकेशन स्टिल चल रही होती है, कम्युनिकेशन हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है। सुन रहे कि नहीं? मेरी बात सुनना जरा, सवाल के जवाब में मैं बहुत सी बातें भी डिस्कस करूंगा। कम्युनिकेशन हो रही है, सिर्फ एक रूट खराब हुआ, सिर्फ एक जगह खराब हुई, सिर्फ एक रास्ता खराब हुआ, लेकिन बाकी रास्ते से तो डेटा ट्रेवल कर जाएगा। समझ आ रही बात है कि नहीं? यार तो इट इज पॉसिबल कि रिसीवर के पास जो चीजें मिले वो आउट ऑफ ऑर्डर मिले। तो जब रिसीवर के पास यहां से 1-2-3 भेजा था, तो हो सकता है इसके पास क्या मिले, पैकेट नंबर 3,
पैकेट नंबर वन और पैकेट नंबर टू। अब ये रिसीव चूंकि इसके साथ क्या चीज अटैच्ड है, सीक्वेंस नंबर ऑफ द पैकेट। समझ आ रही बात है कि नहीं? रिसीवर तब तक डेटा डिस्प्ले नहीं करेगा जब तक इसको सारे पैकेट्स ना मिल जाए। कौन से वाले सारे पैकेट्स? नंबर ऑफ पैकेट्स से तादाद पता चलेगी कि जो डेटा मेरे पास आ रहा है मुझे कब तक इंतजार करना है। 1000 पैकेट्स आएंगे तो मतलब क्या है इसका, मेरे पास 99 आ गए, 999 पैकेट्स आ गए, एक रहता है तो लेट्स वेट फॉर दैट पैकेट। एंड विच पैकेट इज मिसिंग? 29th पैकेट इज मिसिंग। चलो भाई 29th पैकेट दोबारा भेजो मुझे। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं हो रही? और इसको एक और बड़े बेहतरीन फिनोमेना से भी रिड्यूस किया जा सकता है, अगर आप एक पैकेट पहले ही तीन रास्तों से भेजे। डेटा ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाएगी लेकिन गारंटीड रिसेप्शन होगी, मतलब इंक्रीज्ड परसेंटेज ऑफ, यू कैन से के हाई प्रोबेबल है ये बात कि वो डेटा रिसीव हो गई होगा। 29th पैकेट जो मिस हुआ था ना पहले किसी एक रास्ते से भेजा हुआ था, अब तीन डिफरेंट रास्तों से भेज दें, किसी एक से तो पहुंच ही जाएगा ना। नो द प्रोबेबिलिटी इज 3/100% इंक्रीज्ड रिसेप्शन की, 300% इंक्रीज हो जाएगी उस पैकेट की। और बाकी जो दो दीवाने पैकेट्स होंगे या एक पैकेट दीवाना बीच में रह गया या तीनों पैकेट्स रिसीवर तक पहुंच गए तो ठीक है, बस रिसीवर बोलेगा हाँ बस ठीक है ठीक है, 29th पैकेट मुझे मिल गया, अब दोबारा देने की जरूरत नहीं, बस ठीक है जाओ। अगर वो दो पैकेट्स ट्रैफिक में घूम रहे हैं तो हॉप नंबर उनको एक सर्टन पॉइंट के बाद डिस्कार्ड कर देगा। समझ आ रही है कि नहीं? 100 हॉप नंबर अलाउड था, 100 अचीव कर लिया पैकेट्स ने, खत्म कहानी। आपको समझ आ रही है? किसको समझ नहीं आ रही? आपको नहीं आ रही? ओके, एवरी सिंगल पैकेट बाय एवरी सिंगल नोड। ठीक है, फायदा क्या है इसका? नुकसान भी, फायदा भी है। पैकेट स्विचिंग में प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा लग रही होती है। फायदा क्या है? ऐसा नहीं हो सकता कि यहां से कराची तक आप चले जाओ, कराची में जाके बोलो नहीं आप नहीं चाहिए थे। समझ आ रही बात है कि नहीं? नहीं आप चीज तो सोचे, फिर वो कंप्यूटर क्या बोलेगा, यहाँ ये क्या मसला है, वो अभी तो मैंने कम नेटवर्क बनाया। सोचो ये तो पूरी दुनिया ग्लोबल नेटवर्क आपस में कनेक्टेड है, तो इजंट इट बेटर कि जहां पे खराबी है वहां से इस चीज को रोका जाए, बजाय इसके कि खराब पैकेट ट्रेवल हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है, वो चाहिए ही नहीं था रिसीवर तक पहुंचे, रिसीवर ऑल द टाइम इस चीज को वो करे। और वैसे भी ये जितना भी ये कह लें कि पैकेट की रिलायबिलिटी मेक श्योर करना राउटर्स खुद करते हैं, तो बर्डन जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है नेटवर्क के ऊपर रादर देन ऑन द कंप्यूटर। क्या ख्याल है? सो पैकेट स्विचिंग में यू कैन से दैट के इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं जो इसमें पैकेट राउटर्स के जरिए राउटर डिफाइन करवाता है हर पैकेट का डिफरेंट रास्ता। दिस नेटवर्क इज नोन एज पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। विच नेटवर्क? पैकेट मुख्तलिफ रास्ता स्विच करता है, इट्स पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। समझ आ रही बात है कि नहीं? तो इसमें रैम ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। कोई और सवाल? मेमोरी मेन, यू कैन से दैट इट्स मेन मेमोरी, द मेन मेमोरी व्हिच इज यू नो असिस्टेंट ऑफ प्रोसेसर, असिस्टेंट ऑफ प्रोसेसर। प्रोसेसर अपना हर काम करने के बाद या करने से पहले रैम से उठाता है या रैम को देता है। तो रैम के अंदर जगह होना बहुत जरूरी है, ज्यादा जगह होना जरूरी है और रैम को फास्ट होना भी जरूरी है प्रोसेसर, ताकि जल्दी जल्दी डेटा दे और जल्दी जल्दी वहां से। तो रैम के अंदर के प्रोटोकॉल्स बड़े VIP होने चाहिए। ठीक है, रैम की बातें A2 में डिस्कशन होगी इसकी डिटेल से। ठीक हो गया, गेटवे और राउटर के बारे में समझ आया कि नहीं आया? नहीं समझ आया? कितना कितना समझ आया? कितना समझ आया? नहीं समझ आया, इसका मतलब है आपके रिस्पांस से लग रहा है नहीं समझ आया। नहीं आया, पक्की बात है? ओके, एक और डिवाइस होती है, एक सेकंड लेट मी हैव अ लुक एट योर स्पेसिफिकेशन। आप लोग तंग हो रहे हैं मुझसे पढ़ते हुए यार, मुझसे पढ़ते हुए तंग हो रहे हैं यार टाइम से? हाँ, किससे तंग हो रहे हो आप? किससे तंग हो रहे हो? मुझसे? टाइम से? टाइम से थक गए हो यार? मैं तो कोशिश करता हूँ आखिरी लेक्चर है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए इसको। है इंटरेस्टिंग होता है? कोशिश करता हूँ क्योंकि आखिरी लेक्चर है ना, थोड़ा सा एनर्जी डाउन होती है आप लोगों की, तो मैं चाहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको थोड़ा सा कलरफुल भी बनाया जाए, थोड़ा सा डायग्राम्स भी बनाई जाए। चैप्टर नंबर हम कर रहे थे 2 कर रहे थे, राइट? मैं जरा देख लूं, हमने
बड़ी कोई बदतमीजी की बात है। स्विच सर्वर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हाँ राउटर क्लियर हो गया। रोल एंड फंक्शन ऑफ राउटर इन नेटवर्क क्लियर हुआ। ब्रिजेस पढ़ लिए, केबल्स पढ़ लिए, रिपीटर्स पढ़ लिए, वायरलेस एक्सेस पॉइंट नहीं पढ़ा, वैप नहीं पढ़ा, वेप नहीं वैप, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, इट्स अ वायरलेस राउटर, वायरलेस मोडेम, नहीं यू कैन नॉट से 4G इज अ फ्रीक्वेंसी, 4G एक फ्रीक्वेंसी के बैंड को बोलते हैं, वो जो उनसे लगे हुए हैं, इट्स अ वायरलेस एक्सेस पॉइंट, कैन यू सी दैट? इफ आई टर्न ऑन माय हॉटस्पॉट इट विल बी अ वायरलेस एक्सेस पॉइंट, या इट्स माय इट्स माय वायरलेस एक्सेस पॉइंट इज द वन दैट आई जस्ट टर्न ऑन माय वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई, मैं अपने वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई को मैं जब ऑन कर लूंगा, आप सारे कंप्यूटर्स मेरे मतलब के जो मोबाइल फोन्स हैं, अगर मैं आपको अलाउ करता हूं अपने नेटवर्क में आने के लिए पासवर्ड शेयर करके, ठीक है, तो आप मेरे साथ क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स दो तरह के होते हैं, एक ब्लूटूथ में आता है, ठीक है, और एक वायरलेस कम्युनिकेशन में आता है। ब्लूटूथ की जो कम्युनिकेशन होती है वो नेटवर्क के अंदर होती है जिसकी रेंज 30 मीटर्स तक होती है। आई वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट इन विच वी डिप्लॉयड डिफरेंट यू कैन से वेदर से रिलेटेड मौसम से रिलेटेड डिफरेंट सेंसर्स वी हैव डिप्लॉयड 30 मीटर्स अपार्ट फ्रॉम अ सेंट्रल डिवाइस एंड दे यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी इन द एयर, टेम्परेचर इन द एयर, एटमोस्फेरिक प्रेशर इन द एयर, एयर प्रेशर, इस तरह की बहुत सारी डिफरेंट चीजें वो डिटेक्ट करते थे एंड दे यूज टू सेंड ऑल द डेटा आफ्टर डिटेक्शन फ्रॉम द सेंसर, सेंसर से डिजिटल में कन्वर्ट करते थे, डिजिटल से उसको ट्रांसमिट करते थे एंटेनास के जरिए, सेंट्रल स्टेशन उसको क्या कर रहा होता था, रिसीव कर रहा था, रिसीव करके उसको दोबारा डिजिटल में कन्वर्ट करके ग्राफ्स बनाता था। तो जब से वो सिस्टम डिप्लॉय किया गया था उस वक्त से लेके जब तक डिप्लॉयड है तब तक के ग्राफ्स बना रहा होता था और हाईएस्ट पॉसिबल और हाईएस्ट अचीव्ड वैल्यूज अभी तक की कितना हाईएस्ट टेम्परेचर है, लोएस्ट टेम्परेचर कितना था वो बीच में डिस्प्ले कर रहा था और उनके साथ साथ जो सा है वो कर रहा था ग्राफ बना रहा था, बार ग्राफ्स बना रहा था, लाइन ग्राफ्स बना रहा था कि टेम्परेचर इंक्रीज करा डिक्रीज करा, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन थी उसकी, ठीक है बात की नहीं। और इस बेस पे मुझे फिर यू कैन से यू कैन नॉट से बट इट इज़ फैक्ट कि जॉब्स भी ऑफर हुई थी कि वाकई वेदर ये जो मेट्रोलॉजिकल स्टेशन हैं उन्होंने जॉब ऑफर की थी, ये बड़ा अच्छा आइडिया है कि आप मुख्तलिफ जगहों के अंदर सेंसर्स लगा के वहाँ से डेटा ट्रांसमिट करवा के सेंट्रल नोड उसको रिसीव करें ग्राफ्स बनाए, तो ये तो बड़ा अच्छा आइडिया। तो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें होती, इतनी मुश्किल बात नहीं है, ये कर सकते हैं। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? सो आज यहाँ तक, बाकी कल